हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। मैं हूं आपका आकाश सर। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ SYBSC माइक्रोबायोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स फॉर पेपर वन, जो कि आपका होगा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं और एक दो तीन चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पेपर बेसिकली बहुत इजी है, ओके। थोड़ा सा आपको रिवीजन करनी है, जो आपके नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं आपके टीचर्स ने, सब्जेक्ट टीचर्स ने, वो आपको करने हैं। डेफिनेटली आप इस पेपर्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलिए तो देखिए, ये जो पेपर है ये अभी जो एग्जाम हुई थी अप्रैल 2023 में, उसका ये पेपर था। मतलब जो बैकलॉग के लिए बच्चे बैठे होंगे तो उनके लिए ये पेपर था। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन इज कंपलसरी, सॉल्व एनी थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू टू क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर टू टू फाइव क्या है? इक्वल मार्क्स। ये तो सिंपल सा है, आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो होगा वो डिफिनेशन का होगा, आपका डिफाइन या एक्सप्लेन। बट इसमें जो है वो आपको एक या दो ट्रू और फॉल्स पूछे जा सकते हैं, एक या दो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न ही है माइक्रोबायोलॉजी का। ये दूसरे इसमें पैटर्न नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी का पैटर्न है इस तरीके से। तो ट्रू और फॉल्स आएगा ही आएगा, एक एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, या एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा सिंपल सा। देखिए, पहला यहाँ पे सिंपल सा है, डिफाइन द वायरुलेंस क्या होता है, देन स्टेट द ट्रू और फॉल्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर एक्ट अगेंस्ट द फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंड सब्सटेंसेस। सही बात है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करने में हमें मदद करती है। सो सिंपल सा, एंटीबॉडीज आर ऑल्सो नोन एज, बहुत ही सिंपल है, इसे हम IG बोलते हैं, ओके। इसके अलग अलग पांच टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं, जिसे हम तो नॉर्मली गम दे कहते हैं, मतलब IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ओके। बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म है गम दे, ओके। ये पांच क्लासेस है एंटीबॉडीज के। देन इनेट इम्यूनिटी, सिंपल सा जो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, डिसीज ऑफ कॉन्स्टेंट, फिर स्टेट ट्रू और फॉल्स आ गया। देखो दो आ गए इसमें, डिसीज ऑफ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट बट लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड स्पोरैडिक डिसीज। Then the lowest concentration of an antimicrobial agents that will inhibit the growth of microorganism is known as MIC, MBC, LD50, antibiotic sensitivity. मतलब यहाँ पे देखिए, एक आपको दो MCQ आ गए और एक दो definitions आ गए और दो definitions आ गए, दो ये आ गए। So इसमें से कोई भी पांच आपको solve करने हैं। Then question three, यहाँ पे बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि क्वेश्चन टू जो है, ए जो है, ये बहुत बार इन्होंने क्या किया है कि या तो एनी टू लिखने के लिए बोला है और कहीं कहीं पेपर में एनी थ्री लिखने के लिए बोला है, ओके। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पेपर में मोस्टली वो एनी थ्री बोलते हैं, एनी टू बोलते, मतलब दो दो मार्क के लिए एक बोलते, तीन लिखने होते हैं या तीन तीन मार्क के लिए दो लिखने होते हैं, ओके। क्वेश्चंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्वेश्चन उसी तरीके से होता है, सिर्फ मार्किंग में ये है, या तो दो मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या तो तीन। सो अब यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने ये हाईलाइट करके दिया है आपको, एनी टू। सो यहाँ पे एनी टू है, यहाँ पे एनी थ्री भी हो सकता है। एक पेपर है, मैं तभी बता दूंगा। Then toxins of Staphylococcus aureus, the formation of lymphoid lineage cells, laboratory diagnosis of dermatophytosis. Describe the ABO blood group system. Okay, बहुत सिंपल सा है। Okay, Karl Landsteiner के बारे में बताना है, presence and absence of A and B antigen. तो ये सारी चीजें आप वहां पे लिख दो, बहुत सिंपल से आपको चार मार्क्स मिल जाएंगे। Then ये क्वेश्चन नंबर बी चार मार्क के लिए था। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एनी टू फिर से आ गया, एनी टू, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ द एबीएच एंटीजन, देन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ऑफ स्टेफिलोकोकस ओरियंस, देन बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ओके। हमें पता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होता है वो एच जीन के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। सो जिसके पास HH या HH होगा, ओके, तो उसको ब्लड ग्रुप आ ही सकता है, जैसे कि हमने कहा ओलिगोसैकेराइड, ओके। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, ओके, ब्लड ग्रुप वाला। ओलिगोसैकेराइड चेन जो है वो आरबीसी के ऊपर, बैंड थ्री के ऊपर बैठ जाएगी, ओके। अगर नहीं है कुछ ह्यूमन में, अगर ये जीन हो गए स्मॉल एच, तो ओलिगोसैकेराइड चेन बैठ नहीं जाएगी, सो उसका ओबी ब्लड ग्रुप नहीं होगा,
तो सिंपल सी बात है, उसे हम कंसिडर करेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप. देन डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलाई. देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द फॉलोइंग. देन एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एंटागोनिजम्स इन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कंसेप्ट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस. देन यहाँ पे 4 मार्क के लिए होगा, पैथोजेनेसिस एंड द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंडिडियासिस. देन यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये यही होता है आपको 2.5 मार्क्स के लिए एक, तो उस हिसाब से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने. एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ई कोलाई, बायो अवेलेबिलिटी, ग्रैन्युलोसाइट्स. ओके, ग्रैन्युलोसाइट्स में देख लीजिए, ओके, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में. और ये तीन तीन के बारे में आप लिख लो, यहाँ पे ज्यादा मत लिखो. न्यूट्रोफिल्स के बारे में थोड़ा सा लिखो, बैसोफिल्स के बारे में थोड़ा सा लिखो, और यूजिनोफिल्स के बारे में, या जिसे हम एसिडोफाइल्स भी कहते हैं. ओके, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो, कौन सा डोमिनेंट है, क्या है, कब बढ़ते हैं, कब नहीं बढ़ते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं, जैसे बैसोफिल्स हो गए, हेपारिन वगैरह. सो ये सारी चीजें इसमें लिख दीजिए, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. मेडिकल लीगल एप्लीकेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, एंड अगेन द पैसिव इम्यूनाइजेशन. सो एक्टिव एंड पैसिव एक ही इसमें आ गया. कभी कभी डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव इम्यूनाइजेशन. ओके, एंड देन सेट 2 है, सॉल्व एनी 3. देन ओरल थ्रश इज कॉज्ड बाय, डिफाइन एक्टिव इम्यूनिटी, नेम द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेफिलोकोकस ओरियंस. रिपीट क्वेश्चंस लास्ट इसमें भी आया था. देखो, देन गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन. देन एंटी ए एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ पर्सन ब्लड ग्रुप. द ब्लड ग्रुप इज, अब यहाँ पे हमें पता है अगर ए एंटीजन होगा तो प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगी, और अगर बी एंटीजन आरबीसी के ऊपर होगा तो ए एंटीबॉडी होगी, एंटी ए. सो मिल गया आपको आंसर यहाँ पे. देन डिफाइन द एंडेमिक. सिंपल सा है, पैंडेमिक के बारे में हमने सुना है. सो एंडेमिक आप बता सकते हो, पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड होता है, एंडेमिक जो होता है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है. अब यहाँ पे ये वाली बात जो मैं बता रहा था आपको, अब इस क्वेश्चन पेपर में बताया है आपको एनी 3. सो एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमआईसी, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम. देखिए ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चंस बनता ही है. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. यहाँ पे तो आरएच भी आ गया. ओके, रेसेस मंकी. ओके, ये जो है इस सिंपल सा बता देता हूँ कुछ चीजें. आरएच ब्लड ग्रुप जो है वो लैंडस्टेनर और उसके फ्रेंड जो थे विनर, इन्होंने 1940 में डिस्कवर किया. ओके, डिस्कवर किया है रेसिस मंकी के ऊपर, एंड इट इज बेस्ड ऑन द एंटीजन डी ऑन द आरबीसी सरफेस. एंटागोनिज्म इन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. रिपीट क्वेश्चन, ड्रॉ नीड लेबल डायग्राम ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स के बारे में आप यहां पे लिख सकते हो. देन एक्सप्लेन एनी 3, फिर से डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द स्टेफिलोकोकस ओरियंस, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है जो हम हमारे लाइफ में एक्वायर्ड करते हैं. ओके, डिसीज होने के बाद हमें जो इम्यूनिटी मिलती है, और दूसरी होती है इनेट इम्यूनिटी फ्रॉम बर्थ. एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डर्मेटोफाइटिस इन्फेक्शंस. राइट ऑन मॉर्फोलॉजिकल, कल्चरल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ई कोलाई. देन क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी आपको 3 ही सॉल्व करने. सो 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया, सिंपल सा है, बीसीजी से स्टार्ट कर दीजिए 5 साल के लिए, वो जो चार्ट होगा वो. देन एमआरएसए, सेल्स ऑफ माइलॉइड लिनिएज, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. देन पी, यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे क्रॉस आपको करना है. देखिए, सो मदर्स ब्लड ग्रुप इज बी, फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए, व्हाट वुड बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन. यहाँ पे तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि यहाँ पे पॉसिबल जो होंगे वो सारे होंगे बच्चों. ओके, ए बी ए बी ओ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है कि मदर और फादर आइदर हेटरोजाइगस है या होमोजाइगस है. तो आप फादर को कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं. मदर को जैसे आपने ये ले लिया तो आप ये भी ले सकते हो, इससे भी आप बी ब्लड ग्रुप हो सकता है. और ए ब्लड ग्रुप जो है वो आप हेटरोजाइगस या होमोजाइगस कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो. तो अगर ये चीजें आ गई तो चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं. ओके, सो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे के सारे ही है. सो इसका एक बार क्रॉस करके देख लीजिए, इसका क्या ब्लड ग्रुप आएगा यहाँ पे, ए बी. और अगर आपने ये ले लिया तो इसका
बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है. ओके, सो ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है. देन क्वेश्चन नंबर 5, तो बड़ा है प्रॉब्लम, आपको उतना सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए 4 मार्क्स दिए गए हैं. एंटीजेंस क्या होता है? ओके, एनी फॉरेन सब्सटेंस व्हिच स्टिम्युलेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स. वायरुलेंस तो पता ही होगा आपको, कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, एंटेरो टॉक्सिजेनिक इकोलाई, मैक्रोफेजेस क्या होता है, मोनोसाइट्स जो होते हैं वो, फैगोसाइटिक एबिलिटी होती है, सिम्टम्स एंड कीमोथेरेपी ऑफ कैंडिडियासिस. देन ये अक्टूबर 2022 में आया था ये क्वेश्चन पेपर, तो सिंपल सा ये भी था, डिफाइन पैथोजेनेसिटी क्या होता है, ट्रू और फॉल्स. ओके, सिंपल सा देखो, डिसीज स्प्रेडिंग इन अ कम्युनिटी एट अ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड लेवल इज कॉल्ड अ पैंडेमिक डिसीज, एंड देन स्टेट वेदर ट्रू और द फॉल्स. इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, ये अडैप्टिव इम्यूनिटी होगा, ठीक है, adaptive immunity. Okay, so उससे ही बात है, immunological memory. Define the acquired immunity क्या होती है, मैंने बताया आपको, a person of blood group O will not have, क्या नहीं हो सकता, anti A in his serum, anti B in his serum, anti A and B in his serum, antigen A and antigen B, क्या नहीं हो सकता, सिंपल से आपको पता है क्या नहीं है. The lowest concentration of antibiotic will prevent the, simple सा repeat question आ गया ये. यहाँ पे देखिए फिर से 2 पूछ गए. Classification of dermatophytes, formation of lymphoid lineage, laboratory diagnosis of candidiasis, RH blood group system, medical legal applications of blood group. यहाँ पे अगर RH blood group system 4 mark के लिए पूछा गया है, तो मुझे आप यहाँ पे लगता है कि आप वो disease के बारे में लिख दीजिए बड़ा, erythroblastosis fetalis. ओके, इसके बारे में थोड़ा सा, तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा आपका इंप्रेशन पड़ जाएगा. ओके, यहाँ से हम HDN भी कहते हैं. Then medical legal applications of the blood groups, infections caused by the E. coli, biochemical natures of blood group substances, and describe the morphological cultural characteristics of Cephalococcus aureus. Then passive immunization, synergism in the drug administration, toxin produced by the aureus. बहुत बार पूछा है, सो ई कोलाई और सेफेलोकोकस ओरियंस को थोड़ा सा पढ़ के जाइए. देन डिस्क्राइब इन डिटेल पैथोजेनेसिस ऑफ ई कोलाई, एपिडेमियोलॉजी ऑफ डर्मेटोफाइकोसिस, स्टेफाइलोकोकस इंटरो स्टेफाइलोकोकल इंटरोटॉक्सिंस, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स. ओके, एंड थैंक यू वेरी मच. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों मुझे यहाँ पे बतानी है कि आप वीडियोस को तो देखते हो बट लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो. ओके, ये आप ही के लिए है चैनल्स. ओके, आप ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में वीडियो को स्प्रेड कर दीजिए. ओके, जब हमारे व्यूज बढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी आपके लिए जल्द से जल्दी दूसरे पेपर्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स डाल सके. सो थैंक यू वेरी मच.